सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको पास में एक घंटी वाला बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो राजस्थान में जहां चुनाव प्रचार जोरों पर है, लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सिरोही जिले के माउंट आबू उपखंड के नागरिकों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट ना करने का फैसला किया है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या नाराजगी है, आखिर लोग ये फैसला क्यों कर रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे, रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनावों में मतदान का होगा बहिष्कार, सत्ता की वादा खिलाफी से जनता खफा, मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, बिल्डिंग बायलॉज लागू नहीं होने के चलते लिया फैसला। प्रदेश भर में चुनावी माहौल की गर्मी है, चारों ओर चुनाव प्रचार जारी है, आम जनता भी चुनाव को लेकर खासी उत्साहित है, लेकिन प्रदेश के सिरोही जिले के माउंट आबू कस्बे में जनता चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं दिख रही है। सत्ता की वादा खिलाफी से तंग आकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज लागू नहीं होने के चलते चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। आज हमने उपखंड अधिकारी माउंट आबू को राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसके अंदर माउंट आबू की जनता आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रही है। उसकी रूपरेखा के बारे में हमें जानकारी दी कि हमारे बिल्डिंग बायलॉज जब तक अगर स्वीकृत नहीं होंगे तो माउंट आबू की जनता आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। और ये आज पत्र हमने उपखंड अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो हमारे आबू पिंडवाड़ा हैं, उनके मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य चुनाव आयुक्त को ये ज्ञापन दिया है। माउंट आबू के नागरिकों का ये निर्णय चुनाव विभाग के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक ओर जहां चुनाव विभाग मतदान को प्रेरित करने के लिए आए दिन स्वीप कार्यक्रम का आयोजन कर मतदान करने की अपील लोगों से कर रहा है, वहीं माउंट आबू की जनता मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पत्र लिखकर चुनाव का बहिष्कार करने पर अड़ी है। माउंट आबू बिल्डिंग बायलॉज को लेकर 3 दिनों तक बंद था और आचार संहिता लगने के बाद माउंट आबू खोला गया था, लेकिन माउंट आबू के लोगों की बिल्डिंग बायलॉज की मांग पूरी नहीं हुई और इसके चलते यहां की जनता में विरोध के ये स्वर देखने को मिल रहे हैं। संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि मेरे पास आए थे, उन्होंने ऐसा बताया कि वो जब तक बिल्डिंग बायलॉज लागू नहीं होते तब तक मतदान का बहिष्कार करेंगे, पहले भी उन्होंने बंद किया था। तो मैंने उनसे यही कहा कि मतदान का बहिष्कार तो कोई रास्ता नहीं है और अपने को बढ़ चढ़ कर मतदान करना चाहिए और हम लोग मतदान की जागरूकता के लिए भी इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, पर फिर भी उन्होंने ज्ञापन दिया है तो इसको हम जिला कलेक्टर महोदय, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, और उनके थ्रू जो निर्वाचन आयोग है वहाँ तक इसको पहुँचे। प्रदेश में 7 दिसंबर को विधानसभा की 200 सीटों पर वोटिंग होनी है, ऐसे में लोगों का ये तल्ख रवैया सत्ताधारियों के लिए किसी नजीर से कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय लोगों के वोट लेकर गायब हो जाते हैं। अब देखना ये है कि लोगों की मांग पर चुनाव आयोग और सत्ताधारी कब चेतेंगे और कब उनकी मांगे मानी जाएंगी। सिरोही से लियाकत अली, प्राइम न्यूज। लियाकत अली, इस खबर पे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, लोगों की क्या ऐसी शिकायतें हैं, क्योंकि देखा हमने रिपोर्ट में कि तरह तरह के उन्होंने बातें कही, लेकिन आपको लगता है कि प्रशासन उसको लेकर तैयार है, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, या वो जनप्रतिनिधि जो वोट के वक्त वहां जाते हैं लेकिन चुनाव होने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं जो किए जाते हैं? जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बात करें तो माउंट आबू वासी राजस्थान का हिल स्टेशन है, वहाँ पर यानी करीब कई वर्षों से लोग ना तो नया निर्माण कर पा रहे हैं, ना ही जो जर्जर हो चुके हैं उनकी मरम्मत करवा रहे पा रहे हैं। इसको लेकर माउंट आबू वासियों ने पिछले 4 दिन भी माउंट आबू पुल क्या बंद रखा था, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद और DM के आश्वासन के बाद उन्होंने बंद का आह्वान वापस ले लिया था, लेकिन अब इनके स्वर और मजबूत होते जा रहे हैं। इन्होंने आज उपखंड अधिकारी को साफ तौर पे कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो।
तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचते हैं, जो उम्मीदवार पहुंचते हैं, क्या इससे पहले भी जब चुनाव हुए तो उनके सामने ये चुनौती रखी, ये समस्याएं रखी थी कि आप इनका समाधान कीजिए, हम आपको वोट देंगे? बिल्कुल, समय समय पर यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था जनता को, लेकिन जनता ने काफी आश्वासन से अब जनता पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है और जनता ने अब अंत में ये फैसला लिया है कि अगर हमारी मांगे अब पूरी नहीं होगी तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का पूर्णतया बहिष्कार करेंगे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को वोट देंगे। जी शुक्रिया लियाकत जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का इस क्षेत्र के लोगों ने फैसला किया है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा, चुनाव आयोग से भी पत्र उनके नाम सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है डीएम को कि संज्ञान लिया जाए इन मामलों पे। वादे किए जाते हैं लेकिन वादों के बाद जब चुनाव होते हैं वो महज किताबों में और फाइलों में ही लिखे नजर आते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान ना हुआ तो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे।